या सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है पाइल्स जो है वो पहले से सिलेक्ट कर दी थी। मैंने एनर्जीज ले ली थी ताकि टाइम बहुत ज़्यादा ना लगे। सो यहाँ पे मैं ये जो रेड कलर का जिन्होंने ये चूज़ किया था, ठीक है, पॉम पॉम। सो मैं इससे रीडिंग लेना चाह रही हूँ आपकी। देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं और कौन पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ओके, ये एक ऐसे पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गार्ड अप रहते हैं, ठीक है। ये पर्सन हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक टाइप का है, और ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा गार्ड अप रहता है। ये पर्सन अपने बारे में किसी को कभी भी कुछ भी शेयर नहीं करते। ये इस तरह के पर्सन हो सकते हैं, और ये हमेशा जीत में बिलीव करते हैं। विक्ट्री, इनको विक्ट्री चाहिए, कुछ भी हो इन्हें विक्ट्री चाहिए। ये इस तरह के व्यक्ति हैं, और ये विक्ट्री में बिलीव भी करते हैं। चाहे उन्हें जितना मर्जी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वो विक्ट्री में बिलीव करते हैं। ये इस तरह के व्यक्ति हैं, और ये जो है इमोशनल भी हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं है, व्यक्ति इमोशनल भी है। सो ये व्यक्ति इमोशनल भी है, और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन भी हैं, और ये ग्राउंडेड। ये आपको इस तरह से देख रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि यू आर द परफेक्ट मैच फॉर हिम, क्योंकि आप काफ़ी ग्राउंडेड हैं। आप भी जो है अपने पेंटिकल्स पे, अपने मनी पे काम कर रही हैं। ये आपको बहुत ही अच्छी एनर्जीज में देख रहे हैं, और ये आपको अपना कप देना चाहते हैं। तो ये पर्सन इसलिए ऑब्सेस्ड है, और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपने इनको छोड़ दिया था, या आप इनसे आगे निकल गई थी, या कुछ समय कुछ ऐसा था कि टफ समय था, और आप लोग जो है एक दूसरे को अपना लव ऑफ कप ऑफर नहीं कर पाए, या ये अनकन्फेस्ड रही है। लेकिन अभी ये बहुत एनालाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, और ये जो पर्सन है आपके साथ एक हैप्पी लाइफ चाह रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स अ हैप्पी लाइफ विद यू। टेन ऑफ कप के कप 10 ऑफ कप है, कंप्लीशन का कार्ड है, हैप्पी फैमिली। और ये पर्सन बहुत वेट कर रहे हैं आपकी। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। ये आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, लग रहा है कि यू आर एम्प्रेस, मीन्स यू आर वेरी इमोशनल, एंड यू आर वेरी प्रैक्टिकल, एंड यू आर वेरी पॉजिटिव। ये आपको इस तरह के ऑरा में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप परफेक्ट है, क्योंकि आप इमोशनल भी हैं, आप लविंग केयरिंग भी हैं, बट यू नो दैट कि हाउ टू अर्न मनी ऑल्सो इन अ प्रैक्टिकल वे। यू आर ऑल्सो परफेक्ट। सो ये पर्सन इसीलिए आपको ऑफर देना चाहते हैं, एक परफेक्ट ऑफर वो आपको देना चाहते हैं, इसीलिए वो बहुत ऑब्सेस्ड है। लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो आपका वेट करे जा रहे हैं, बस बैठ के। उन्हें लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से कोई सिग्नल आ जाएगा, कोई मैसेज आ जाएगा। लेकिन मेरी फेमिनाइंस जो हैं वो भी इस टाइम पे इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री नहीं कर रही हैं। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ और एनर्जी से मैं देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो है किस तरह की एनर्जी में, और वो क्या कहना चाहते हैं, वाई ही सो ऑब्सेस्ड। ओके, ये बहुत सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। यहाँ शेयर का कार्ड है। सो ये बहुत सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। इनको स्ट्रेस हो रहा है इस चीज़ का कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू गिव द ऑफर, बट ही इज़ अनेबल टू गिव द ऑफर। सो ये पर्सन जो है वो इस चीज़ के लिए स्ट्रेस में आ रहे हैं कि कैसे मैं अपनी एम्प्रेस को ये हर बात शेयर करूँ कि आई वॉन्ट टू गिव द ऑफर। ओके, ये अगर आप लोगों के बीच में ये कोई पास का रिलेशन है, आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई थी या सेपरेशन हो गया, तो ये पास को लेट गो कर देना चाहते हैं अभी। ये पास में नहीं रहना चाहते, ये चाहते हैं कि सब चीज़ें सही हो जाए, और ये यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ये अबंडेंस पे जो है अपने वर्क कर रहे हैं, और ये आपको भी आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो ये ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स पर,
ईश्वर पर, खुद पर और इस रिश्ते पर। यस, पार्टिसिपेशन का कार्ड है। अब ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आपके साथ, शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को हील किया है। परफेक्ट एनर्जी, हीलिंग इज गोइंग ऑन। आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है और इसीलिए वो ऑब्सेस्ड है, क्योंकि इन्होंने जो पहले आपके साथ किया उसकी चीज़ के लिए इनको गिल्ट हो रहा है। और अब ये पर्सन बहुत मैच्योरिटी के साथ आना चाहता है। मैच्योरिटी का कार्ड है। सो ये पर्सन बहुत मैच्योरिटी के साथ आपके पास आना चाहता है। दिस इज वेरी गुड एनर्जीज, दिस इज वेरी गुड एनर्जीज। ओके फ्रेंड्स, सो हम यहाँ पर कुछ और एनर्जीज लेते हैं, कुछ और चेक करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है चार्म्स लिए थे, सो चार्म्स देखते हैं कि चार्म्स क्या है। ये चार्म्स हैं मेरे पास, कुछ आप देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर हमारी पायल के लिए चार्म्स निकाल रही हूँ, जिन्होंने भी रेड कलर की पायल चूज़ की थी, ठीक है। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर डॉग आया है सबसे, तो डॉग जो होता है ना वो लॉयल्टी को, फ्रेंडलीनेस को दिखाता है। तो आपके पर्सन जो हैं अब वो बिल्कुल लॉयल्टी के साथ आना चाहते हैं वापस। और आप ये जो पर्सन है और जो आपका जो रिश्ता है ना वो काफ़ी प्योर है, क्योंकि यहाँ वाइट कलर का मोती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हैप्पीनेस आ रही है, बिकॉज हियर इज द पीकॉक। पीकॉक जो होता है वो हैप्पीनेस को शो करता है। और यहाँ पे मेरे पास फ्लावर है एक, ये देख रहे हैं आप, देख पा रहे हो तो फ्लावर है। सो फ्लावर जो है इसका मतलब ये होता है कि आप लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आने वाली है। ओके, सम मोर, सो यहाँ पे मेरे पास एक ब्यूटीफुल सा हार्ट भी आया है। सी हार्ट, ठीक है। सो यहाँ पर यस, आपके पर्सन जो है वो आपको ऑफर देना चाहते हैं और वो अपने इमोशंस को शो करना चाहते हैं। और इनकी हार्ट चक्रा हीलिंग भी हुई होगी, क्योंकि ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है इसके अंदर, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ग्रीन कलर आ रहा है इसमें। लेट मी शो, लाइट आ रही है तो वो दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, ग्रीन कलर है ये। सो ये कुछ चांस थे आपको, आप लोगों के। अभी मैं आप लोगों के लिए एंजल का मैसेज ले रही हूँ कि आपको एंजल्स जो है वो क्या मैसेज दे रही हैं। प्लीज डिवाइन गिव मी द राइट एनर्जी फॉर द पायल वन। ओके, सो यहाँ पर डिवाइन आपको विजडम का मैसेज दे रहे हैं, विजडम। एंड द सेकेंड मैसेज इज न्यू बिगनिंग। मैंने बोला जैसे कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सो वेरी गुड एनर्जी पाइल वन। ये जो पर्सन ऑब्सेस्ड है वो इसीलिए ऑब्सेस्ड है कि वो, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, शेयर नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये थी मेरी रीडिंग फॉर पाइल वन। अब मैं पाइल टू के लिए मैसेजेस दूंगी। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। एंड कोई भी काउंसलिंग, हीलिंग या टैरो रीडिंग के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी मैंने प्राइजेस जो है वो कम कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप आइए और रीडिंग लीजिए एंड डोंट बी स्टक इन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो आप जो है मुझसे आके गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस के लिए मेरा मैसेज, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आता रहता है, तो आप मुझे वहाँ पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे रीडिंग के लिए जो है वो बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी। हेलो, नमस्कार। सो अभी हम चलते हैं हमारी दूसरे पाइल की तरफ, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की थी।
ये येलो या ऑरेंज। सो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आई थी, क्या कार्ड्स थे। हु पर्सन, हु इज़ द पर्सन हु इज़ वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट यू। यहाँ तो मुझे सिर्फ मुझे सीधे सीधे पास्ट की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही स्टोबन टाइप का, बहुत ही ये अच्छे खासे रिच भी हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट पर्सन हो सकते हैं। डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझको, बिकॉज अच्छे खासे ये बिल्ड भी इनकी काफ़ी अच्छी है। सो ये डिवाइन मास्कुलिन हो सकते हैं, काफ़ी इन्होंने अचीव किया हुआ है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि हियर इज़ अ नाइन ऑफ कप, नाइन ऑफ कप, ठीक है। सो इन्होंने काफ़ी अचीव किया हुआ है अपनी लाइफ के अंदर, और ये काफ़ी अच्छे वेल्दी हैं। कोई अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई जॉब वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब वाले जो होते हैं ना वो हो सकते हैं, ऑफिसर, ठीक है। सो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप का है ये भी, और ये पर्सन जो है ना चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं। तो उन्होंने आपको भी होल्ड किया था, ठीक है, और आपको इन्होंने होल्ड किया था, और ये आपसे यंग भी हो सकते हैं। दिस पर्सन इज यंग बट राइट नाउ, और उसके बाद वो चले गए थे, पास्ट में वो चले गए थे, ठीक है। आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कोई सेपरेशन हो गया, तो इन्होंने जो है वो बैक ऑफ कर लिया होगा और ये चले गए थे। लेकिन अभी ये पर्सन फिर से आ रहा है, इनके मन में फिर से आपको लव इमोशंस जो हैं इनके मन में आ रहे हैं, और ये आपको कब देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इमेच्योर है, मतलब एक स्टार्टिंग ही है, जस्ट हमें इसको ये बोलेंगे, और ये आपके साथ कंप्लीशन चाहता है। ये पर्सन काफ़ी ऑब्सेस्ड है ये आपको लेके, और इनकी एनर्जी की बात करूँ अगर, वैसे तो मेच्योर हो सकते हैं, बट इनकी एनर्जी इमेच्योर है। इन्हें नहीं पता है कि हाउ टू एक्सप्रेस द लव, हाउ टू डील विद समबडी, इन्हें ये सब नहीं आता है। बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन लग रहे हैं, और आपने हो सकता है कि इनको पास्ट में ब्लॉक कर दिया होगा, या क्योंकि यहाँ एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, आपके साथ इनका एक सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया था या होने वाला है, ओके। लेकिन ये पर्सन फिर से आपको ऑफर देना चाहता है, पेज ऑफ कप, अगेन वही पेज वाली एनर्जी है, यानी मेच्योर एनर्जी नहीं है, और ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेके। डेवल एनर्जी, ये कोई कैप्रिकॉन भी हो सकता है, यहाँ कैप्रिकॉन साइन भी हो सकता है, यस। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकिन, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं आपके लिए, और ये आपका वेट कर रहे हैं, पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। लेकिन वैसे अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूं तो ये काफ़ी मैच्योर्ड है, और इनको मालूम है कि इन्हें आपको अपना पेंटिकल देना है, अपना ऑफर देना है, बट ये थोड़े ज़िद्दी भी हैं, क्योंकि ये इस तरह की एनर्जी जो होती है वो स्टोबन भी होती है। तो ये काफ़ी स्टबन टाइप के पर्सन है, और ये मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है दे देंगे कोई बात नहीं। सो इस तरह की एनर्जी है, तो इसीलिए ये जो है काफ़ी पेशेंस वाले व्यक्ति भी हैं, क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि ये इस तरह के एनर्जी है, काफ़ी मैच्योर पर्सन है, इन्हें पता है, लेकिन ये काफ़ी पेशेंस में बैठे हैं कि हाँ ठीक है ऑफर देना है ना, दे देंगे कोई बात नहीं। मतलब इस तरह की एनर्जी है, मतलब मैं बहुत ही मैच्योर टाइप की एनर्जी, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़िद्दी टाइप के हैं, काफ़ी स्टबर्न है। आई नीड टू जस्ट क्लैरिफाई दिस कार्ड, वाई दिस कार्ड, वाई दिस डेविल एनर्जीज, लेट मी क्लैरिफाई दिस प्लीज, इवन गिव मी द राइट एनर्जी बाय द डेविल कार्ड, ओके। प्लीज इवन गिव मी द राइट एनर्जी वाई द डेविल कार्ड, ग्राउंडेड एनर्जी एक्चुअली, एंड ये थोड़ा कंफ्यूज भी है आपको लेके, ये कंफ्यूज्ड है, बट ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, ये
क्योंकि ये पर्सन भी काफ़ी स्ट्रेस में है, यू सी ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में हो सकता है, क्योंकि आप लोग आपने हो सकता है कि इनको ब्लॉक कर दिया था और अब ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में है, क्योंकि इनको मालूम था कि ये पर्सन जो है सही है, परफेक्ट है मेरे लिए, लेकिन इन्होंने आपको खाली होल्ड करके रखा, वो कोई ऑफर नहीं दिया आपको। हो सकता है कि आप पास में जो है वो चले गए थे, लेकिन ये पर्सन फिर से आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो जानता है कि आप सही हैं, लेकिन इनकी कुछ बैक एंड फोर्थ की एनर्जी रहती है, ये इनडिसाइसिव है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये बहुत इमेच्योर एनर्जी का भी है, इमोशंस के मामले में ये इमेच्योर है, वैसे इमेच्योर नहीं है, वैसे तो ये बहुत मेच्योर दिख रहे हैं, बट इमोशन के मामले में ये इमेच्योर है। क्या हो सकता है कि इनको कोई राइट पर्सन नहीं मिला जो कि इनको समझा सके कि किस तरह का किस तरह से अपने इमोशंस को शेयर किया जाता है, होता है ऐसा भी होता है। सो अभी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है ऑफर देखिए, देखिए दिस पर्सन इज रशिंग टुवर्ड्स यू, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप मुझे कोई एक हिंट दें और फिर मैं एकदम चलो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको जो है अभी देख रहे हैं कि आप भी अपना ऑफर लेके बैठे हैं, तो यहाँ मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, दिस इज़ द वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ दोनों ही पेंटिकल लेके बैठे हैं और दोनों ही मैच्योर पर्सन दिख रहे हैं, तो मतलब दोनों ही सोच रहे हैं कि हु इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, और ये पर्सन काफ़ी ऑब्सेस्ड है अपनी फेमिनाइन को लेके, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है इनको क्वीन से, जानते हैं कि आप ही काफ़ी ग्राउंडेड हैं, आप दोनों ही मतलब क्या बोलूँ, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए ऑफर लेके बैठे हैं, लेकिन कौन पहल करे ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, यस, ये पर्सन पहले बहुत स्लो एनर्जी में आ रहे थे, लेकिन आप भी ये पर्सन काफी तेजी से आना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज अ गुड एनर्जी, सो भी देखते हैं कि और क्या निकल के आ रहा है आपके पर्सन के लिए, कौन है ये पर्सन जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके लिए, लेट्स चेक। प्लीज वाइंड गिव मी द राइट एनर्जीज फॉर पाइल टू, ओके, इन्होंने पास्ट में काफी माइंड गेम खेले, आपके साथ काफी माइंड गेम खेले गए हैं, लेकिन अब ये पर्सन काफी आइसोलेटेड है, दिस पर्सन इज आइसोलेटेड, और इनको कुछ फियर भी हो रहे हैं, अब इनका रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, और अब ये सेम वही एनर्जीज निकल के आ रही थी, एक सेकेंड एनर्जी, ओके, सो ये इस कनेक्शन को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो ये इस कनेक्शन को समझना चाहते हैं, पास्ट में चले गए थे, लेकिन अभी देखिए ये टू ऑफ कप की एनर्जी भी आ रही है, तो ये आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो कब की एनर्जी है, तो ये अपना ऑफर देना चाहते हैं और ये चाहते हैं ओके ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द ब्रेक थ्रू, ये सब कुछ बताएंगे अब आपको, जो भी इन्होंने छुपाया था, जो भी इनको फियर थे, जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया, सारी फेमिनाइन के साथ जो इन्होंने किया था, सो वो अब ये बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टावर मूवमेंट आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक,
कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ आ सकती है, क्योंकि अब ये पर्सन ना साहस दिखाना चाहता है, अब ये पर्सन साहस दिखाना चाहता है, करेज का कार्ड है यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे ये पर्सन जो है चीज़ों को न्यू विजन से देखना चाहता है, ये शेयर करना चाहता है आपके साथ। दैट इज़ वेरी गुड एनर्जी। ओके सो चलिए हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए ये चार्म्स में से क्या आ रहा है। अब मैंने चार्म्स भी दिए थे सो देखते हैं। ओके ओके सो यहाँ पर मेरे पर रिंग आई है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पर रिंग आई है। सो आप लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है किसी के पर्सन के साथ, कोई पास का पर्सन एक्स वापस आ सकता है और यहाँ पे एंगेजमेंट के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। और ये मुझे यहाँ पर गोल्डन फ्लावर दिखाई दे रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने अपने आप को हील किया है। गोल्डन ऑरा हो सकता है किसी का, ठीक है। और इन्हें ये कनेक्शन जो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सीप आई है। सो सीप जो है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इन्होंने अपने इमोशन को बहुत सप्रेस किया हुआ था, जैसे कि सीप में मोती बंद होता है, लेकिन अब ये अपने आप को शेयर करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है ना फिश आ रही है, डॉल्फिन जो होती है वो हैप्पीनेस को शो करती है। देखिए सो ये डॉल्फिन जो है वो हैप्पीनेस को शो कर रही है। और यहाँ पर भी मेरे पास एक ये जो चाम आया है ये शो कर रहा है कि आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। दिस इज़ द खंडा, मतलब पंजाबी में जो जानते हैं सभी लोग। सो यहाँ पर ये एक मैसेज दे रहा है कि आपको अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे डिवाइन जो है आपको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। और ये एक प्योर कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक चेन में बंधे रहते हैं हमेशा। देखिए यहाँ पे भी मोती आया है और यहाँ पे सीप है। ये प्योर कनेक्शन है, ये पास में जो हुआ था उस चीज़ को अब बुलाने की ज़रूरत है और आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सो देखते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गिव मी द राइट एनर्जीज, चूज द पाइल टू। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है गो आउटसाइड। सो डिवाइन कह रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइंस हो या मैस्कुलाइंस हो, आप काफ़ी हद तक हीलिंग हो चुके हैं, तो अपने आप को फ्लोरिश कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो ये गो आउटसाइड और फ्रेंडशिप। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप जो है राइट पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं और आप जो है इनके साथ भी फ्रेंडशिप को क्रिएट कीजिए। गो आउटसाइड एंड फ्रेंडशिप, पहले फ्रेंडशिप को क्रिएट कीजिए, ठीक है। सो ये थी हमारी पाइल टू की एनर्जीज। I hope you like my reading. Kindly like, share and subscribe my channel. And किसी भी तरह की counseling के लिए, tarot reading के लिए, healing के लिए आप मुझे consult कर सकते हैं। Prices को मैंने अभी कम कर दिया, so please आप आइए और मुझसे जो है discuss कर लीजिए कि किस तरह की reading आपको चाहिए और booking करवा सकते हैं आप। So stay happy, stay blessed. Om Namah Shivaya.